श्रीकाल, आपका मेरे चैनल में 4&1 में वेलकम है आप सभी का। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं ब्लॉग की शुरुआत आज शाम से कर रही हूँ। बच्चे टीवी देख रहे हैं, पढ़ाई इन दोनों का हो चुका, ट्यूशन से आए थे दोनों भाई। और यहाँ पे मैं कपड़े निकाल लूँगी, अभी मैंने सुबह कपड़े धो दिए थे और अभी सूख चुके हैं। आज बहुत अच्छी धूप निकल रही थी इसलिए कपड़े जल्दी सूख गए, वरना रात तक भी नहीं सूख पाते हैं। आज बारिश नहीं था बॉम्बे में, हम लोग बॉम्बे में रहते हैं तो बारिश नहीं था आज, इसलिए बहुत अच्छा धूप था। कपड़े सूख चुके हैं, मैं इन कपड़ों को फोल्ड करके रख दूँगी। और बच्चों को भूख लगी हुई है, अभी शाम का टाइम है, उनका स्नैक्स का टाइम हो चुका है। मैं अभी स्नैक्स में उनके लिए भील बना दूँगी, ढेर सारी सब्जियाँ डाल के, हेल्दी भी हो जाएगा और बच्चे इनके लिए कुछ अलग भी हो जाएगा, टेस्ट भी बदल जाएगा दोनों भाइयों का, वो ही सब खा खा के। तो चलो मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ अपने बच्चों के साथ बैठ के, बातें करके थोड़ा उनके साथ मेरा काम भी हो जाएगा, उनसे मेरी बातें भी हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं अपने घर के काम खुद से ही करती हूँ, बच्चों को संभालना, उनका खाना पीना देखना, पढ़ाई लिखाई देखना, उनका घर की साफ सफाई, सब कुछ मैं ही करती हूँ। और अभी मैं इधर ही बैठ के बच्चों के साथ ही अपने कपड़े फोल्ड कर लूँगी, उसके बाद किचन में जाके मैं उनके लिए स्नैक्स बना दूँगी फटाफट से। कपड़ों को यहाँ मैं फोल्ड करके अलवीरा में रख दूँगी, बच्चे की जगह पे रख दूँगी, अपने अपने हस्बैंड के अपनी जगह पे रख लूँगी, सूख जाते हैं तो अच्छा रहता है। और यहाँ मैं उन दोनों से बातें कर रही हूँ कि वो अपना मुझे बता रही हैं, मम्मी टीवी में हम लोग ये देख रहे हैं, वो सब इसने ये किया, सब मुझे बता रहे हैं दोनों भाई। सब बच्चों के कपड़े हैं, देखिए टी शर्ट पैंट सब मेरे दोनों बच्चों का, उन दोनों के बहुत सारे कपड़े निकलते हैं, बार बार वो गंदा करते हैं, बार बार चेंज करते हैं। हम लोगों का तो काम यही है, बच्चों को ये सब करना, काम कपड़े वपड़े वॉश करना है। कपड़े मैंने हाथ से ही वॉश किए हैं, मेरे पास मशीन नहीं है यहाँ पे, तो मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ कपड़े। और अभी मैं कपड़े रखने के बाद किचन में जाऊंगी, उनके लिए स्नैक्स रेडी कर दूंगी फटाफट से। टीवी देखते रहेंगे दोनों भाई, और मैं किचन में जाके रेडी कर दूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ भील बनाने के लिए सब कुछ रेडी किया हुआ है। आज मैं बॉम्बे का फेमस भील बना रही हूँ, बॉम्बे का एक फेमस भील है, यहाँ पे सब लोग जानते हैं, सब लोग खाते भी हैं यहाँ पे। मैंने सारा सामान ले लिया, मुझे क्या क्या लगेगा भील बनाने के लिए, और ये हेल्दी रहता है, आपको अच्छा लगे तो आप भी बनाना, बहुत ईजी है। सारे सामान ही हमारे सब घर में ही रहते हैं, मैंने वो ही सबसे बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी बड़ा बर्तन ले लिया मैंने यहाँ पे, मैं कुरमुरे डाल लूँगी यहाँ पे। उसके बाद हम इसमें ऑनियन ऐड कर लेंगे, मैंने एक ऑनियन कटिंग करके रखा था, ऑनियन ऐड कर लेंगे। इसके बाद कुकुम्बर ऐड कर लेंगे, खीरा ये भी मैंने बारीक कटिंग करके रखा हुआ है, और एक टमाटर ऐड कर लेंगे। और ये मैंने नमकीन लिया हुआ था, खट्टा मीठा नमकीन है ये, हम ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, इससे थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और एक ये सींग दाना ऐड कर देंगे, चने भी मैंने ऐड किया इससे पहले,
पर यहाँ पे मिर्ची एक मैंने कटिंग करके रखा है, हरा मिर्ची, वो भी डाल देंगे। और ये मैंने नमक और चिल्ली पाउडर लिया हुआ है, रेड चिल्ली पाउडर, ये दोनों भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। और ये मैंने मिर्ची धनिया का चटनी बना के रखा था, 1 टेबल स्पून में इसको भी डाल दूंगी, 1 स्पून। टमेटो केचप लेके रखा है, इसको भी ऐड कर देंगे हम, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है, बच्चों को मीठा लगता है। और मैंने यहाँ पे 1 लेमन जूस लिया हुआ है, 1 लेमन लेके उसका जूस निकाला हुआ था वो ऐड किया, और अभी मैंने यहाँ पे हरा धनिया ऐड किया। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत तेजी है। आप बनाना और खाना, मुझे बताना कैसा बना था। प्लेटिंग कर लेंगे अभी हम। ये तो सबके लिए हेल्दी रहता है, बच्चे को बना के खिला सकते हो आप, बड़े लोग भी इसको खा सकते हैं स्नैक्स में, हल्का फुल्का स्नैक्स, फटाफट से बन जाता है। गार्निश के लिए मैंने थोड़ा चटनी डाल दिया है ऊपर से, और हरा धनिया थोड़ा पत्ती लगा दूंगी मैं एक। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, लुक एट दिस, नाइस ना। यहाँ बन चुका था और बच्चे देखो खाने लगे, मैंने उन दोनों भाइयों को दे दिया, तो आप भी खाएं, अपने बच्चों को बना के खिलाएं, बहुत टेस्टी बना था और ये हेल्दी रहता है। ओके बाय।